22 जुलाई 1933 को गुजरात के गांव लोठल में जन्मे हिम्मत शाह समकालीन भारतीय कला की दुनिया में पूरी तरह से एक आउटसाइडर या अपने ढंग के एक अजनबी हैं। गौर करने की बात यह भी है कि भारतीय कला परिदृश्य में हिम्मत शाह 60 के दशक में ही एक सफल कलाकार थे। सफल इस अर्थ में कि कला की दुनिया में उनका नाम आदर से लिया जाता था। 70 के दशक में भी हिम्मत शाह बराबर सक्रिय रहे, चर्चा में भी रहे। स्वामीनाथन सरीखे कलाकार उनके प्रशंसक थे। दिनमान साप्ताहिक ने उन पर 2 बार आवरण कथा प्रकाशित की थी। हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने हिम्मत शाह की कला से प्रेरणा पाकर कविताएं लिखी थी, पर उन दिनों भारतीय कला का कोई खास बाजार नहीं था। और 90 के दशक में जब यह बाजार बना, धीरे धीरे ताकतवर हुआ, तो हिम्मत शाह सरीखे कलाकार हाशिए पर दिखाई दिए। 2-3 साल पेंटिंग करने के बाद जब कई युवा कलाकार नई खरीदी गाड़ियों की चाबियां हिलाते हुए अखबारों के page 3 सेलिब्रिटी के रूप में सामने आ रहे थे, तो हिम्मत शाह जैसी जीनियस प्रतिभाएं रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष करती दिखाई दे रही थी। लेकिन कला बाजार के बनने बढ़ने की तार्किक परिणति यह भी थी कि हिम्मत शाह सरीखी प्रतिभाओं के पुराने काम को किसी तरह से हथिया लिया जाए। कई कलेक्टर बड़ी चतुराई से ऐसी कलाकृतियों को खोजने लगे जिनके दाम आगे जाकर बढ़ जाएंगे। जाहिर है कि उनकी नजर हिम्मत शाह के काम पर पड़ी। अब हिम्मत शाह की कई प्रदर्शनियों की योजनाएं बन रही हैं। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कला की प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान भी दिया है। बरसों से ललित कला अकादमी के गढ़ी स्टूडियो में काम कर रहे हिम्मत शाह अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जयपुर जाकर अपने कला के बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यह एक अच्छी बात है। जो लोग हिम्मत शाह को थोड़ा निकट से जानते हैं, वे बरसों से उनके सपनों के बारे में भी सुनते रहे हैं। समय समय पर स्वामीनाथन, इब्राहिम अलकाजी आदि ने हिम्मत शाह की कला पर फोकस भी करने की कोशिश की है। लेकिन एक और हिम्मत शाह का अपना एक फक्कड़ और अव्यवस्थित किस्म का स्वभाव और दूसरी ओर कला बाजार की अपनी खास तरह की काम करने की शैली ने इन सपनों को अधूरा ही रहने दिया। पर हिम्मत शाह इस बीच लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने कला से कभी अवकाश नहीं लिया। स्वामीनाथन ने 60 के दशक में ही 2 कलाकारों अंबादास और हिम्मत शाह को महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में देखा था। अंबादास को वह भारतीय अमूर्तन का शिखर कलाकार मानते थे और हिम्मत शाह में उन्हें प्रतिभा का अद्भुत विस्फोट शुरू में ही दिखाई दे गया था। 1976 में भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद ने हिम्मत शाह के चित्रों एवं रेखांकनों की एकल प्रदर्शनी की थी। उसके कैटलाग के लिए स्वामीनाथन ने हिम्मत शाह का एक दिलचस्प रेखांकन बनाया था। इस रेखांकन की रेखाओं में हिम्मत शाह की रेखाएं भी थी और हिम्मत शाह का खास बोहेमियन किस्म का व्यक्तित्व भी उनमें से झांक रहा था। हिम्मत शाह शुरू से ही कई माध्यमों में काम करते रहे हैं। तैल रंग, जल रंगी चित्र, रेखांकन, कोलाज, जले हुए कागज से तैयार किए गए कोलाज, म्यूरल, सिरेमिक्स, मूर्तिशिल्प, सीमेंट, कंक्रीट, जाली, लोहे के सरियों आदि किसी भी माध्यम और रचना सामग्री में हिम्मत शाह अपनी कला को अभिव्यक्ति दे सकते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं कल नृत्य करने लगूं। दरअसल हिम्मत शाह की प्रतिभा ही ऐसी है, वह अपने को सीमित नहीं रख सकती है। उसकी दिशाओं के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसमें चाक्षुष सौंदर्य के अनगिनत रास्ते हैं।
आज 2004 में भी हिम्मत शाह कुछ अपनी पुरानी और किसी कारण से टूट फूट गई कलाकृतियों की ओर इशारा करते हुए सहजता से कहते हैं कि इन पर अब मैं दोबारा काम करूंगा। वरिष्ठ कलाकार कृष्ण खन्ना ने 1983 में आर्ट हेरिटेज द्वारा आयोजित हिम्मत शाह के मस्तकों चेहरों की एक प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखते हुए हिम्मत शाह के स्टूडियो का वर्णन किया था। कृष्ण खन्ना भी उन दिनों गढ़ी में पड़ोस के एक स्टूडियो में काम करते थे। उन्होंने लिखा था कि हिम्मत शाह का स्टूडियो कोई पुराने किस्म का स्टूडियो नहीं नजर आता, वह तो जादूगर की गुफा लगता है। इस कलाकार की जीवन शैली ऐसी थी कि विवाह की संभावनाएं खोजना आसान नहीं था। विवाह नहीं किया, रचने का बुखार हमेशा चढ़ा रहा। 1981 में हिम्मत शाह ने टेराकोटा में अपना पहला मस्तक हेड बनाया। इस तरह से मिट्टी के साथ एक अद्भुत रोमांस शुरू हुआ। पिछले 22 साल से हिम्मत शाह इस श्रृंखला को हर बार जैसे एक नया जीवन दे देते हैं। हिम्मत शाह भले ही अपने चेहरों के लिए ज्यादा पहचाने जाने लगे हैं, पर कला समीक्षक गीता कपूर भी यह मानती हैं कि हिम्मत शाह किसी भी माध्यम में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वयं कलाकारों का मानना है कि कला का किसी भी तरह से विकास हो सकता है। रचनात्मकता किसी भी फॉर्म में अभिव्यक्ति पा सकती है। हिम्मत शाह संगीत से भी बहुत प्रभावित रहे हैं। आमिर खान की गायकी को वह बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सत्यजीत राय की फिल्मों में भी मुझे जलसा घर सर्वश्रेष्ठ लगती है। इस फिल्म में संगीत की अद्भुत उपस्थिति है। मेरे मूर्ति शिल्प में भी संगीत की गहरी उपस्थिति है, ऐसा हिम्मत कहते थे। 70 साल की उम्र में हिम्मत को महसूस होता है कि अब अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि जयपुर का पता लोगों को बताया जाए। वह बस अपना काम करना चाहते हैं। हिम्मत अब किसी बंधन को नहीं महसूस करना चाहते। अभी तक जो स्पेस उन्होंने खोजा है उसे वह किसी भी माध्यम में रूपांतरित कर देना चाहते हैं। जब कलाकार को लगे कि उसकी संवेदन शक्ति बहुत बढ़ गई है तो वह क्यों रुकावट महसूस करे। हिम्मत शाह याद करते हैं करोल बाग की बरसाती को, जब ऑक्टेवियो पाज उनका काम देखने आए थे। हिम्मत को पता नहीं था कि पाज कौन है। वह व्यक्ति 3 घंटे बैठा रहा, सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। हिम्मत के काम से पाज बहुत प्रभावित हुए थे। वे जले हुए कागज के कोलाज थे। ग्रुप 1890 नाम हिम्मत ने ही सुझाया था। भावनगर में ज्योति पांड्या के घर पर 3-4 दिन कलाकार रहे। मैनिफेस्टो, ग्रुप के नाम आदि पर विचार हुआ। ब्लैक सीलिंग सरीखे नाम सामने आ रहे थे। हिम्मत ने कहा कि इस मकान का नंबर 1890 है, क्यों न ग्रुप का नाम भी यही रख दिया जाए। सब सहमत हो गए। एक नए इतिहास ने जन्म लिया। फक्कड़पन हिम्मत शाह में रचा बसा था। शुरू में जूनागढ़ के जंगलों में खूब फक्कड़ किस्म की जिंदगी बिताई थी। एक साधु के आश्रम में रहते थे। दूध घी लड्डू खाने को मिलता था। गौशाला में सो जाते थे। लैंडस्केप वगैरह बनाते थे जो कुछ लोगों को अच्छे लगते थे। 11 साल की उम्र में वे घर छोड़ दिए थे। बचपन में ही हिम्मत इस बात से चमत्कृत हुए थे कि हाथ से कुछ भी कहा जा सकता है। जब छोटे थे तो खेतों में घूमते हुए एक बच्चे की तरफ ध्यान गया। वह बच्चा घास तोड़कर एक मोर बना रहा था। रचना के इस जादूगर ने हिम्मत शाह को बहुत प्रभावित किया। घर में खिलौने थे पर वह उसी मोर को देखते रहते थे। बाद में वडोदरा में बेंद्रे से कला क्या है पर बात हो रही थी। वही उदाहरण
घास से मोर बनाने का सामने आया। रचना सामग्री का अपना इस्तेमाल है और अपना एक विचार भी, कला यही है। हिम्मत शाह का परिवार मूल रूप से राजस्थान का था। वहां से परिवार के बुजुर्ग काठियावाड़ आ गए। मारवाड़ी बैकग्राउंड थी, परिवार बड़ा था, 3 भाई और 7 बहनें। हिम्मत शाह का मानना है कि पहले 12 सालों का जो अनुभव होता है उसी को हम बार बार जीते हैं। बचपन में देखे तालाब, पेड़, लैंडस्केप आदि और घुड़सवारी का मजा, हवा के साथ उड़ने की इच्छा, ये सब शुरू के संस्मरण उन्हें याद आते हैं। बोहेमियन स्वभाव ने हिम्मत का कभी पीछा नहीं छोड़ा। वडोदरा में एक बार इम्तिहान के दिन थे, हिम्मत शाह भाग गए। बिंद्रे बहुत प्यार करते थे। हिम्मत लौटे तो पूछा, 8 दिन कहाँ थे? क्या कोई प्यार व्यार हो गया था जो इम्तिहान छोड़कर भाग गए? हिम्मत ने कहा, इम्तिहान देने का मेरा मूड नहीं है। बिंद्रे स्वयं संवेदनशील कलाकार थे, वह कलाकार की परेशानी समझ गए। बाद में 3 महीने की छुट्टियां हुई तो उन्होंने हिम्मत का इम्तिहान लिया। कॉलेज में उन दिनों कोई नहीं था, मैंने काम किया, उन्होंने स्वीकार किया। वडोदरा से बाहर आए तो हिम्मत ने जले हुए कागज पर कोलाज बनाना शुरू किया। अहमदाबाद में कलाकार भटक रहा था, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। एक दोस्त के ऑफिस में टाइप करने वाले कागज पर सिगरेट पीते हुए जो छेद बनने लगे उनसे प्रेरणा मिली, अद्भुत काम सामने आ गया। मैंने उत्साह से बेंद्रे को अपना काम दिखाया, वह खुश हुए, बोले, सुंदर है पर यह सब यहां नहीं चलेगा, यह काम भारत में नहीं चलेगा। मुझे बड़ा धक्का लगा, अगर यह यहां नहीं चलेगा तो क्या करेंगे जिंदगी में। 22 जुलाई 1962 को मैं दिल्ली आ गया, टिकट भी किसी ने खरीद कर दिया। भविष्य में जयपुर के स्टूडियो की योजनाएं भले ही एक तरह का जोखिम है, पर हिम्मत शाह को इस तरह के जोखिम पसंद हैं। 2003 में हिम्मत को अस्पतालों में अपने स्वास्थ्य से जूझना पड़ा। मैं अस्पताल में बेहोश होकर नहीं मरना चाहता हूँ, मैं सजग हालत में मरना चाहता हूँ, मैं अपनी मृत्यु को भी देखना चाहता हूँ, मेरे लिए यही निर्वाण है। काम करते करते जाऊंगा और वापस आऊंगा एक नए शरीर में, और उस अधूरे काम को पूरा करूंगा। काम में आपकी एनर्जी लगनी चाहिए, मैं भिन्नता को दिखाना चाहता हूँ। प्रकृति श्रेष्ठता को नहीं मानती, भिन्नता को मानती है। पहले सीखते थे, अब चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अब एनर्जी काम कर रही है, उनका विचार था। हिम्मत शाह के मन में कई तरह की कल्पनाएं हैं। मिसाल के लिए पुरानी कारों को खरीद कर वह कुछ करना चाहते हैं। मैं जब काम करता हूं तो बीच में मुझे अपना काम बेचना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता पर बेचना जरूरी हो जाता है। हर महीने खूब पैसा खर्च कर पाऊं तो अपने मन का शायद काम कर सकूं। एक गैलरी वाले ने कहा, मैं पैसा हर महीने देने को तैयार हूं पर आप जो कुछ भी करेंगे वह मेरा होगा। क्यों नहीं वह बाद में शो करके 50% ले लेता। हमारे आर्ट डीलरों के पास कल्पना नहीं है, न उनमें कोई फोरसाइट है, वे खतरा नहीं उठाना चाहते, न ही कोई चुनौती, जबकि खतरों में ही जीवन है। भीरू बनकर रहने में जीवन का कोई मजा ही नहीं है। यह है हिम्मत शाह, जो हमेशा रिस्क लेने को तैयार हैं और जो अपनी मृत्यु भी खुद अपनी आंख से देखना चाहते हैं।